दिस इज़ मी ड्रुक ड्रुक ए के टी और ये वीडियो काफ़ी स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि आई फाइनली बॉट अ न्यू कैमरा और मैं 2 साल से इस कैमरे के लिए वेट कर रहा था। मतलब मुझे कैमरा लेना था इस मतलब ये नहीं पता था कि कौन सा लेना है, बट हाँ ये था कि लेना तो है। तो थोड़ा सा एवरी बिगिनर की जो स्टोरी होती है उसने मेहनत किया ऐसा वैसा वो तो सब करते ही है। तो फाइनली आई बॉट निकॉन। वेट वेट सब कुछ अभी जानने क्या, अभी पूरी वीडियो पढ़िए आराम से बताएंगे, पहले कुछ वीरोल्स हो जाए। तो क्वेश्चन है कि वाई निकॉन Z30, वाई निकॉन Z30। निकॉन Z30 वैसे तो मार्केट में काफ़ी सारे कैमरा ऑप्शंस है, लाइक कैनन M50 Mark II और सोनी ZV-10। आई गेस सोनी ZV-10 तो मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज था कि निकॉन Z30 लूँ कि या सोनी ZV-10, क्योंकि दोनों काफ़ी अच्छे हैं। बट ये था कि मुझे अभी आई थिंक निकॉन ज़्यादा सही लगा क्योंकि इसका लुक एंड फील काफ़ी अच्छा आ रहा था और ज़्यादा रिलायबल आ रहा था। और आई गेस अभी सनसेट हो रहा है तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है मेरे पीछे से लाइटिंग। वेट मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा एडजस्टमेंट करके, ये देखिए कितना अच्छा मौसम और रखा है। ओहो वैसे मैं छत में कपड़े लेने आया था बट मुझे इतना अच्छा व्यू मिला तो मैंने सोचा आपको दिखा देता हूँ। आई गेस यहाँ पर एक पार्ट थोड़ा डार्क आ रहा है, वो अभी ऑटो पे नहीं है ना, इसमें मैंने मैनुअल पे मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इसकी जो ऑडियो आप सुन रहे हो वो डायरेक्ट इसी कैमरा से है। और अब वेदर देख सकते हो, आज की इवनिंग तो काफ़ी अच्छी रही, काफ़ी अच्छा वेदर। मैं इसको सन पे डायरेक्ट एक्सपोज नहीं कर रहा हूँ, वैसे नहीं करना चाहिए। सो अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट आई विल डू विद दिस कैमरा फ्यूचर में। मेरे को सिनेमाटोग्राफी बहुत पसंद है और सिनेमैटिक वीडियोस ट्राई करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छा कॉन्टेंट दे सके, क्रिएटिव ब्लॉग्स। तो क्या ये वर्थ इट था? यस इट इज़ वर्थ इट। और ये कैमरा मैंने इसे 3-4 दिन यूज़ किया अलग अलग चीज़ों के लिए, बाहर गया, नाइट फोटोज़ वीडियोज़ बनाई और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। वो एक जब हम फ़ोन से कैमरे में शिफ्ट होते हैं तो एक काफ़ी अच्छा काफ़ी एक अलग एक्सपीरियंस आता है, तो वही एक्सपीरियंस मुझे भी आया। आई नो इतना वो बस क्वालिटी का फ़र्क होता है, बट क्वालिटी का फ़र्क नहीं होता है, तुम्हारे कैमरे को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, तुम्हें थोड़ा ज़्यादा केयर करना पड़ता है क्योंकि इसमें बहुत पैसा लगा है और उनका साथ में ग्रो करेंगे। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि आगे मोर वीडियोज़ आएंगी, रुकना नहीं है। थैंक यू सो मच। This is real.